हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फतेहाबाद के एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के पास से गुजर रही नहर टूट गई और पानी किसानों के खेतों में घुस गया। अब किसानों ने इस पर प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या कुछ हुआ वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। फतेहाबाद के गांव अहरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के पास फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटर नहर टूट गई और पानी किसानों के खेतों में घुस गया। बताया जा रहा है कि दरार देर रात करीब 3 बजे आई थी जिससे नहर से सारा पानी खेतों की तरफ बहने लगा। सैकड़ों एकड़ में गेहूं की फसल से भरे खेत पानी में डूब गए। सुबह किसान जब उठे तो सैकड़ों एकड़ गेहूं की बिजाए हुए खेत पानी से लबालब भरे देखे। किसानों की मदद के लिए प्रशासन मौके पर सुबह 9 बजे तक भी नहीं पहुंचा था और किसान आंदोलन के चलते गांव में भी लोगों की संख्या कम होने की वजह से नहर की दरार पाटने का काम भी धीमी गति से हुआ। रात ही नहर टूटी हुई है, प्रशासन का कोई आदमी बहुत लेट आया, जड़े भी कोई आया वा ते सैकड़े एकड़ च पानी फैल गया, जरा जिमीदारा दे 4-4 फुट पानी पै गया, पिंड च भी पानी पैन का खतरा वा ते पिछों पानी अजे तक नहीं घटाया ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਨਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ 2 ਮੰਗਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। प्रशासन की तरफ से मदद काफी देर में पहुंची। किसानों का कहना है कि वे पहले भी नहर को पक्का करने और तटों की मरम्मत करने की मांग प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आज देखा जा सकता है। किसानों ने अब शासन और प्रशासन से अपील की है कि उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जाए और नहर को ठीक करवाने का काम करवाया जाए। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट। उधर झज्जर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। एक 5 साल की मासूम का पहले तो अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मासूम के लिए इंसाफ की मांग को लेकर आज लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर गए। कैंडल मार्च की एक तस्वीरें हैं झज्जर की, जहां एक 5 साल की मासूम को न्याय और उसके आरोपी को सजा दिलाने की मांग को लेकर इलाके के लोग इकट्ठा हुए। उसी मासूम को जिसे एक वहशी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो मासूम को मौत के घाट उतार दिया। झज्जर के छावनी मोहल्ले में रहने वाली मासूम के अपहरण कर हत्या का मामला गरमाने लगा। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और यादव धर्मशाला चौक पर जाम लगाया। चौक पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। जाम लगाने वालों में बड़ी संख्या में मजदूरी करने वाले परिवार भी शामिल रहे। पीड़ित पिता से जब इस मामले में बात की गई, तब उनका दर्द छलक पड़ा। पीड़ित पिता ने कहा कि वे अपने घर को छोड़कर यहाँ कमाई के लिए आए थे, लेकिन ये प्रदेश उनके लायक नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक तरफ तो परिवार ने अपनी बेटी को खोया और दूसरी तरफ सेवा सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस ने पीड़ित परिवार की एक न सुनी। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि वे पुलिस से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। पिता ने अपनी बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस देश को तो बहुत ही गंदा कहेंगे, इस तरह तो बताओ कि हम परदेश में कमाने खाने के लिए आए और कोई भी यहाँ पे धोज जमा के अपनी गुंडागर्दी जमा रहा है। पुलिस ने क्या मदद की? पुलिस ने मदद करी, लेकिन बाद में मदद करी है, बच्ची खत्म होने के बाद तो उसके बाद मदद हुई है, एसपी साहब ने मदद करी है। पहले पुलिस वालों ने क्या कहा जब आप थाने में? पहले वो गई थी, हमारी घरवाली गई थी, मैं अपना यहीं पे उछल कूद कर रहा था कि कोई आओ कोई बचाओ, जब तक तो कोई नहीं आया। फिर दूसरी जगह गए, फिर वहां से आके जब जाके बाद में सुनाई हुई, इतने बाद दम तोड़ा। क्या मांग है? फांसी की मांग। फांसी की मांग है जी भाई। तो गौरतलब है कि रविवार सोमवार की रात 5 साल की मासूम का पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले गया और बच्ची को पहले तो अपनी हवस का शिकार बनाया
और उसके बाद मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इलाके का कुख्यात बदमाश है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपनी बच्ची को बचाने की गुहार लेकर दंपत्ति तुरंत झज्जर के पूर्व विधायक के बेटे के घर गए और पुलिस को भी घटना की सूचना दी। हालांकि पुलिस कर्मियों ने वहां कुछ देर सवाल जवाब करने के बाद उन्हें भगा दिया। इसके बाद उन्होंने एसपी से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस महकमे की नींद टूटी। तब पुलिस बदमाश के घर पहुंची और पड़ोस के मकानों की छत से आरोपी के घर में घुसी। जब तक पुलिस अंदर पहुंचती तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। उसका शव बिना कपड़ों के कमरे में ही था। इतना ही नहीं, आरोपी भी नशे की हालत में शव के पास ही बैठा था, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि लोग आरोपी की गिरफ्तारी से भी संतुष्ट नहीं है। गुस्साए लोगों ने मासूम के लिए कैंडल मार्च निकाला और आरोपी की फांसी की मांग की है। साथ ही उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने मामले में लापरवाही बरती थी। आरोपी ने जो मासूम के साथ किया उसके बाद तो महिला सुरक्षा पर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने सेवा सुरक्षा के दावों की सच्चाई से भी पर्दा उठा दिया। हरियाणा न्यूज के लिए झज्जर से रमाकांत मित्तल की रिपोर्ट।